और पहली बार काम करते हुए कैसा लग रहा तुम्हें? अच्छा लग रहा है? कैसा? पानी तुम दोगे नहीं मांगने पे? की? भाई और बहन को बनाया है और बड़ी सिंपल सी जल्दी। और खाने वाले मेंबर बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं लेकिन आग जल नहीं पा रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आप लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह का टाइम है, अभी बज रहा है 6:30 और मैं आ गई थी बाहर यहाँ पे वॉक करने के लिए। तो घर के पास में ही एक मंदिर है, वहाँ पे मैं आई थी वॉक करने। और आज सैटरडे है तो यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है सुबह सुबह, तो बहुत ही पॉजिटिव लगता है देख करके। और पीछे देखिए कितनी ग्रीनरी है, वो मंदिर भी दिख रही है। हम लोग मंदिर के पास आ गए हैं और ये देखिए मंदिर के बगल में अखाड़ा बना हुआ है। तो हमारे यहाँ नागपंचमी के दिन यहाँ पे मेला लगता है मंदिर के पास और ढेर सारी दुकानें लगती हैं। यहाँ पे कुश्ती वाला गेम भी होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। पास से तो मैं नहीं आई थी देखने के लिए, ना कभी देखी हूँ, बस सुना है मैंने। तो घर के पास में ही है तो सुबह टहलने आई थी तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। और पीछे देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, किस चीज़ की फसल ये तो नहीं पता। ये पीछे ITI है तो मेरे घर के पास में ही है। अब हम लोग वॉक कर लिए हैं, वापस घर जा रहे हैं। हम लोग मतलब मैं और यशु आए हुए हैं तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। और यहाँ से घर भी पास में, बहुत दूर नहीं हम लोग आए थे। तो चलिए घर पर चलते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो देखिए अब हम लोग चलेंगे घर और बहुत से लोग जो है पूजा करके घर की ओर जा रहे हैं। और ये रही हमारी कॉलोनी। इतनी सारी घास हो गई कि पता ही नहीं चल रहा किस चीज की फसल है और क्या है। ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर प्लांटेशन किए हुए हैं, मुझे इनकी बालकनी बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों दोपहर के बज रहे हैं 11 और मैं आ गई हूँ मार्केट। यहाँ पे देखिए रंग बिरंगी राखियों की दुकान लगी हुई है, तो मुझे आज लेनी थी राखियाँ और मैं यहाँ से कुछ राखियाँ सेलेक्ट करूँगी। और साल में एक बार आता है राखी का त्यौहार और हम बहनों के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है हम लोगों को कि सबसे प्यारी राखी मैं ही खरीद के ले चलूँ। तो चलते हैं घर की ओर और देखते हैं कि राखियों में से जो राखी मैंने ली है भाई को कौन सी राखी अच्छी लगती है। वैसे तो मैंने 10-11 राखी ले ली है और जो वो पसंद करेगा उसको वो राखी बांधेंगे और बाकी रख देंगे बाकी लोगों के लिए। तो मैं मार्केट से आ गई हूँ और मैं रक्षाबंधन की शॉपिंग करने गई थी तो बहुत सारी राखी लेके आई हूँ। वैसे तो मुझे थोड़ा ही लेना था लेकिन मैं 10-15 राखी लेती आई हूँ। अब उसमें से जो राखी भाई को पसंद आएगी वो राखी बांध दी जाएगी। और भी एक दो काम था और सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है कि रास्ते में स्कूटी ख़राब हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो एक दो लोगों से मैंने हेल्प भी मांगा पर स्टार्ट नहीं हुई। फाइनली डैडी को जाना पड़ा और वो स्टार्ट करके जैसे तैसे ले आए घर पर, पर अभी वो बनवाने गए हैं। पता नहीं उसकी बैटरी डाउन हो गई कि क्या हो गया था, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। मेरे से किक भी नहीं मारा जा रहा था। और अभी मैं जा रही हूँ लंच करने तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज लंच में क्या क्या है। तो ये देखिए आज लंच में है दाल, सलाद, रोटी, चावल, सब्जी और अचार। तो ये रहा मेरा आज का लंच। हेलो दोस्तों, तो बस लंच हो गया है और मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ मार्केट से मैं क्या क्या लेके आई हूँ राखी।
तो इसको भी एक तरफ रख देते हैं। और एक लास्ट राखी ये है पेपा पिक की, तो ये भी एक कार्टून कैरेक्टर है। तो अब इसमें और इसमें से मैं दिखा दूंगी, यशु को जो पसंद आएगा वो राखी वो बंधवा लेगा। तो इतनी सारी शॉपिंग मैं करके आई हूँ, और इसके साथ ही मुझे रोरी और चंदन का एक पैकेट मिला है। तो मेरी रक्षाबंधन की कुछ शॉपिंग ऐसी रही, और अब शाम को बस मिठाई लेके आऊंगी। तो चलिए भाई को राखी दिखाने आ गई हूँ, और देखती हूँ उसे कौन सा पसंद है। तो ये सारी राखियाँ हैं, इनमें से जो चूज करेगा वो मैं बांधूंगी, और एक राखी दीदी बांधेगी। शिवम कोई दो राखी पसंद करो इसमें से, सब अच्छी है। नहीं, जो तुम्हें ज्यादा अच्छी लग रही है वो दो सेलेक्ट करके अलग कर लो। तो ये दोनों बांध दीजिए, इसमें से एक एक ये और एक ये। हाँ। तो भाई ने ये वाली पसंद की। ये सब किसके लिए है? वो यशु के लिए है, बच्चों वाली है, इसमें लाइट जलती है। ये तो मैचिंग मैचिंग हो जाएगा, यही हाथ वही मुंह। अरे यार ऐसे कौन बोलता है। पेपा पिग, ये पेपा पिग लाई हूँ, और एक दूसरा छोटा मोटू पतलू वाला, यहाँ पीछे से लाइट जलती है। चलो महंगा दिया हुआ है ये, ब्लैक कलर का जो नहीं एक छोटा सा लीवर दिया है, साइड करो उसको। नाइस, सही है। तो ये एक ये वाला है, और एक राखी में ज्यादा फंक्शन है। तो ये क्या? उसमें अक्षत और रोली है। तो मैं बाबू को भी दिखा दूंगी, जो सेलेक्ट करेगा वो वाली बांध दूंगी, या दोनों ही बांध दूंगी उसको मैं, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे ये वाली लाइट वाली ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, ये ज्यादा सही। चलो तो तुम्हारा ये कर देते हैं, बाकी इसमें से कोई एक डैडी को बांध देंगे। तुमको पता है लखनऊ में लड़कियां भी राखी देखिए, ये रिक्शा पे कबाड़ा लेने के लिए आए हुए हैं, और ये स्पीकर के थ्रू इतना तेज तेज से बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार इसे रिकॉर्ड किया जाए। पता नहीं, पहली बार मैंने ऐसे देखा कि रिक्शे पे कबाड़ा कोई मांग रहा है, तो आपके लिए भी शायद ये नया चीज़ होगा। हम लोग तो बहुत हंस रहे थे कि ये तो नई चीज़ है, कबाड़े वाले भी अब स्पीकर में चिल्ला चिल्ला के कबाड़ा मांग रहे हैं। जैसे लोहा टीना, प्लास्टिक टूटा फूटा मोबाइल, मोबाइल की लेट, पुराना कॉपी किताब, पुराना स्कूटर, पुराना मोटरसाइकिल की बैटरी, पुराना टायर, पुराना साइकिल पाइप। तो दोस्तों, हम लोग आ गए ऊपर, इतनी सारी धूप है, कपड़ा धुल के इधर फैलाया हुआ था। और यहाँ पे डैडी जी देखिए क्या कर रहे हैं, यश के लिए स्पेशल बाल आई है। क्यों उसको ऐसा दो जिसमें दाना है ही नहीं, उसको खाने में आराम रहेगा ना, खा नहीं पाता था ऐसे। तो यहाँ ढेर सारी डैडी जी गांव से बाल लेके आए हैं, मतलब भुट्टा, आप लोग इसको क्या बोलते हैं? बहुत से लोग मक्का बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं। तो जिसके यहाँ जो चीज बोला जाता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई नहीं बताएगा, कुछ लोग जोनरी भी बोलते हैं। तो देखिए भाई इसको छील रहा है बढ़िया से, और यहाँ पे डैडी तैयारी कर रहे हैं, इनको भूनेंगे। ये जलेगा कैसे डैडी? और पहली बार काम करते हुए कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है? आज पानी तुम दोगे नहीं मांगने पे? क्यों नहीं देंगे? रक्षाबंधन कल है ना। तो मेरा मीम डाल देना इस वाले लॉग में, डिस्क्रिप्शन वाले। नहीं, ये सब नहीं लगाएंगे। तो चलिए, ये ब्लॉग खराब कर रहा है, तो इसको ब्लॉग में लेते ही नहीं है। और ये देखिए, ये मैंने मेहंदी लगाई थी, और मैंने इसका रील बनाया था, इंस्टाग्राम के लिए शूट किया था मैंने, तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मिले मैंने लिखा है हैप्पी राखी, भाई और बहन को बनाया है, और बड़ी सिंपल सी मेहंदी लगाया है मैंने, और कुछ नहीं बनाया। दूसरे हाथ पे भी लगाया है, पर अभी इतना ही है, तो कोई लगाने वाला नहीं था, तो मैंने खुद से लगा लिया। कैसा लग, क्या मेरी मेहंदी कैसी लग रही है ये भी आप बताइए। और ये रहा मेरा फेवरेट
अमरूद और आम का पेड़। अरे वाह, आग पकड़ लिया। वो नहीं क्या, मिट्टी का तेल है ऐसे पकड़ लेगा पेपर से। सही हवा चल रही है, नीचे से कुछ बैठने के लिए। रुको, हम नीचे से ले आए। पानी भी चाहिए? नहीं पानी अभी नहीं चाहिए। फिर क्यों बोल रहे हैं? बैठने को मतलब बोरिया हो गया। बकरी खा के दी कैसा है भाई साहब? बहुत ज्यादा धुआं डैडी ने कर दिया, न जाने क्या बना रहा है। यार पकड़ लेगा डैडी आज जल्दी। और खाने वाले मेंबर बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए, लेकिन आग जल नहीं पा रही है। अच्छा जल्दी हमको जगा के ले आए, तुम लोग अकेले खा लेते ना। सही कह रहे हैं आप, इंदौर में केवल डैडी ठीक लगते होंगे आपको। पकड़ यार, वो सबका ध्यान रखते हैं हम। सो तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। कल तो रक्षाबंधन है, तो कल बहुत ही अच्छा ब्लॉग आएगा। ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्त और फैमिली में शेयर करिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बादल कितना अच्छा दिख रहा है यार फोटो में। बहुत ही गजब व्यू आ रहा है।